विश्व हिंदू परिषद विभाग संयोजित लव जिहाद का मामला एक्चुअली ये भोपाल से हैं दोनों लोग, ऐशबाग से अपना एड्रेस बता रहे हैं और 4-5 महीने से फरार हैं ऐसा वहाँ के थाने से अभी रिपोर्ट यहाँ TI साहब ने बताया कि ऐसी आई है कि इनका लड़की का 4 महीना पहले वहाँ पे FIR दर्ज किया गया था। एक्चुअली यहाँ पे ये आए तो अधिवक्ता के यहाँ पे एफिडेविट बनवा रहे थे कि हम विवाह करना चाह रहे हैं, तो नाम चूँकि लड़की का हिंदू लड़के का मुस्लिम निकला तो थोड़ा सा संदिग्ध के एरिया में आए, तो जब ऐसा हुआ तो इनके बारे में पूछताछ की गई तो लड़का वहीं से फरार हो गया। लड़की को लेकर के थाने आया गया, उनके बारे में सब कुछ पूछा गया, जानकारी ली गई। लड़की ग्रेजुएट है, अभी पढ़ रही है, लड़की BCOM सेकेंड ईयर में है, लड़का 10वीं फेल है, ऐशबाग का लड़का है। और ये लड़की से पता चला कि इन लोगों का रिलेशन लगभग 5-6 वर्षों से चल रहा है और इनको समझाने के बाद भी पता चल रहा है कि ऐसा इनका इस लड़की का माइंड वॉश किया गया है कि ये अपने घर जाने के लिए एग्री नहीं है। लड़की घर से कब निकली थी? 3-4 महीना पहले निकली है। रीवा क्यों आई है? अब रीवा क्यों आई है, कहीं ना कहीं से इसको कोई ना कोई संरक्षण दे रहा है। रीवा ही क्यों आई है, यहाँ ही क्यों विवाह करना चाह रही है, कहीं ना कहीं से गुप्त रूप से इसका कोई साथ दे रहा है, लड़के का साथ दे रहे हैं। लड़की से हमने पूछा विवाह के लिए दोनों तरफ से 2-2 गवाह होने चाहिए, आपका गवाह कौन है? तो इनकार कर दिया कि भी हमारे पास कोई गवाह नहीं है, लड़के के साइड से बहुत सारे गवाह बता रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनको लव जिहाद के तहत ही इस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। भोपाल में कहाँ के रहने वाली हैं? ऐशबाग। और युवक का नाम क्या है? फराज खान है लड़के का नाम है, ड्राइविंग का काम करता है और यहाँ पूछताछ पे पता चला कि वो किसी लोहा की दुकान में गया है, तो सही जानकारी भी नहीं दे पा रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का कार्रवाई होनी चाहिए? हम लोग चाहते हैं हमारे हिंदू समाज की लड़की का घर वापसी हो, लव जिहाद पे कार्रवाई हो, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जाए। बार बार ये घटना हो रही है, हमारे हिंदू लड़कियों पर ये प्रहार किया जा रहा है, तो उसको हमें हिंदू लड़कियों को जागृत किया जाए, हिंदू लड़कियों को बचाया जाए और संरक्षण देने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम आपका? रेखा नामदेव, विश्व हिंदू परिषद विभाग संयोजिका। ये आज एक मामला लव जिहाद का मामला रीवा में आया है, आज अभियुक्त जिला सत्र न्यायालय में अभियुक्ताओं द्वारा हम सबको ये सूचना दी गई कि क्या कहते हैं कि एक हिंदू समाज की लड़की और एक मुस्लिम समाज का लड़का, मुस्लिम समाज का लड़का हिंदू समाज की लड़की से विवाह करने के साजिश से रिवाया हुआ था। भोपाल की रहने वाली लड़की हमारे हिंदू समाज की बिटिया थी आकांक्षा और मुस्लिम समाज का लड़का फिरोज था, जो फराज, और जो कि ये 5-6 महीने से लगातार इसके ऊपर FIR भी दर्ज थी लड़की के ऊपर गुमशुदी की थाने में नज़दीकी, उसके उपरांत ये ले कि इसके साथ लिविंग रिलेशन में संबंध के साथ ये रह रहा था। आज रीवा में ये विवाह करने की नियत से यहाँ पर आए थे, तत्पश्चात सूचना के बनने के बाद हम सब लोगों ने सिविल लाइन थाना पे आए हुए हैं और TI साहब द्वारा इनके अभिभावक से बात करने के उपरांत ये वहाँ के नज़दीकी थाना से पता लगा कि FIR दर्ज थी। लगातार हिंदुत्व पर कुठारा पहाड़ जिस पर किया जा रहा है, अभी हमारी बड़ी बहन ने लड़की से बात की, रामायण के बारे में उसे पता नहीं, उससे भागवत के बारे में पता नहीं, नमाज के बारे में उसे पता है कि जन्नत मिलती है कैसी। ये लगातार लव जिहाद का मामला है, उसके लड़के के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हम सब यहाँ पे आए हैं और लड़का कोर्ट से शायद कहीं से फरार भी हो गया है, लड़की तो पुलिस की कस्टडी में है, उसे लगातार समझाया जा रहा है कि अपने माता पिता के पास जाओ, पढ़ी लिखी लड़की है, उसके बावजूद भी इस तरह का इनका मानसिकता है, इसका माइंड वॉश ऐसे किया जाता है कि पढ़ा से पढ़ा हुआ व्यक्ति। रीवा कैसे पहुंचे दोनों लोग? इसका इस संदर्भ में तो पुलिस जांच कर रही है, निश्चित रूप से भी एक बड़ा गंभीर विषय है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये लव जिहाद का मामला है। पहली बात तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि लव जिहाद का मामला है और अब जब लव जिहाद का मामला हो जाता है तो इनके पीछे तो बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हो जाती है कि बस हिंदुत्व को तोड़ो, सनातन को तोड़ो, तो इसके पीछे निश्चित रूप से लोग खड़े हैं। मैं सुधीर तिवारी। आज एक युवती के विवाह की सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय परिसर में हो रहा है और उसमें कुछ संगठनों द्वारा बताया गया कि ये अवैधानिक तरीके से हो रहा है। वहाँ पे जैसे ही पुलिस पहुँची तो युवक फरार हो गया, युवती यहाँ थाने पर उपस्थित हुई, उसकी पूछताछ जो है महिला अधिकारी द्वारा की जा रही है और जब उसकी पूछताछ से पता चला कि इसकी गुमशुदगी भोपाल में कायम है
वहाँ की टीम को सूचना दे दी गई है, वहाँ की टीम आ रही है। चूँकि मामला वहाँ पंजीबद्ध है तो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी और लड़की को वन स्टाफ सेंटर भेजा जा रहा है। ये जांच का विषय है, महिला अधिकारी जब इसे पूछताछ कर लेंगी तब क्लियर होगा। ये जांच का विषय है, ये पूरा जांच के बाद ही आएगा, आप लोगों को पृथक से बता दिया जाएगा। आप लोगों को पृथक से बता दिया जाएगा, जांच का विषय है, ठीक ना।